you know the secession going on why is rbi asking banks and other regulated entities to move away from LIBOR or to find another reference rate the next is about a report published by the rbi that is report on currency and finance rbi ki website pe bhi hai. it was in the news also that is why it is very important up theoretical news hai, uh, report here there are not a lot of factual information that we can gather from this report but the theory here we will also understand that and

फॉरवर्ड मार्केट में हम मैं अपना कमोडिटी बेचूंगी एट दिस रेट वाई दिस रेट बिकॉज ने बताया है इट इज द रेट इससे लो तो मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगी या कोई लोन नहीं दूंगी सो दिस बिकम्स अ दिसम्सार्क रेट और अ रेफरेंस रेट जिसके बेसिस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं राइट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्वट्रैक्ट राइट स्वॉप स्वीमेंट करेंसी स्वॉप हो गया इंटरेस्ट स्वॉप हो गया राइट सो अलॉट ऑफ दीज आर डन ऑन द बेसिस ऑफ लिबोर

एंड सेवन टाइप्स के लिबोर रेट्स बताते हैं फॉर एग्जाम्पल ओवरनाइट रेट क्या है वन वीक का रेट क्या है सो इफ आई एम एंटरिंग्रेक्ट तो मैं थ्री मंथ का लिबर रेट लिबॉर रेट लूंगी राइट सो so, क्योंकि लिबोर एक बेंच मार्क है एंड दिस बेंचमार्क इज सेट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स ओवरनाइट रेट लिबोर का सेट है

अब लिबोर ही नहीं मिफोर भी खत्म हो गया है एम आई एफ ओ आर जो इंडिया का है राइट मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड रेट अब द तो थिंग इज कि व्हाई इज लिबोर यू नो से हो रही है लिबोर से तो बहुत पुरानी न्यूज है दिस इज नॉट न्यू सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स दिस हैज बीन हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट वेरियस अदर सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम लिबोर बट ऐसा क्या हुआ वॉट हैपन

ट so, तो इतना ट्रांसपेरेंट है ही नहींबोरेट दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड इट इज फ्लेक्सिबली डिसाइडेड अमंगल में क्या लेबोरेट होना चाहिए ओके okay.

मीन्स आप कैसे ट्रांजिशन करेंगे राइट फॉल बैक मीन्स अकाउंटिंग फॉर द ट्रांजिशन क्या लॉसेज हो सकते हैं आपको वंस यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन रेफरेंस रेट टू अनदर रेफरेंस रेट अगर दूसरा रेफरेंस रेट कम हुआ क्या उसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है राइट दैट इज फॉल बैक क्लॉज क्लॉज सो एक क्लॉज है जिसमें यू विल बी रेफरिंग टू ऑल द इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन केस यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन बेंच मार्क टू अनदर बेंच मार्क फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एडवाइज बाई दी आरबीआई दैट नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटर इन ऑन लिबोर लिबोर रेट को यूज करके बेंचमार्क रेट यूज करके कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अब इसके साथ साथ एक और रेट बोला गया मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट राइट रेट ओके मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट राइट रेट सो दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक लिबोर बट लिबोर में कोई फॉरवर्ड प्रीमियम यूज करा जाता है तब जाके मिस और आता है सो so, पे वर्ड फॉरवर्ड इज यूज सो वेन टू एंटिटीज और टू और टू पार्टीज आर कमिंग इन टू फॉरवर्ड अग्रीमेंट आई होप आपने डेरेवेटिव पढ़ा होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट क्या होते हैं सो इन केस यू डिसाइड कि फॉरवर्ड में कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमें करना है फ्यूचर में एंड उसका रेट क्या होना चाहिए सो वन इज स्पॉट रेट वन इज पॉर्ट्रेट एक सेकेंड लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड

या लेट्स से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है राइट right? टेकन या कमोडिटी बेचनी है लेट्स सपोज कमोडिटी बेचनी है या स्टॉक्स बेचने हैं सो so, एक एक होगा rate, एक होगा फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट या लेट्स इज एटी टू एंड देर इज एक्सपेक्टेशन की जो फ्यूचर में रेट होगा दैट इज कन्वर्जन रेट विल बी लेट्स

तो so, एक लिबोर बना हुआ है जो वी हैव जस्ट स्टडी व्हाट इज लिबोर लिबोर बना हुआ है एंड इफ ऑन दैट यू आर गिविंग अ फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड रेट और फॉरवर्ड चार्ज दैट विल बी लिबोर जब आप लिबोर पे ही कोई फॉरवर्ड प्रीमियम दे रहे हैं और फॉरवर्ड चार्ज दे रहे हैं दैट इज मिफोर द रेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट आर सेट यूजिंग बिफोर इट इज अ फॉरवर्ड चार्ज earned from indian foreign exchange markets and combined with the libor okay now it is a standard price for forward rate contracts and securities to be forward rate agar koi contract karna hai kisi ko then the rate at which this is done in india is mifor theek hai ab iske baad आरबीआई को रियलाइज हुआ कि libor जब सही नहीं है और libor के बेसिस पे mifor सेट हुआ है तो वो कैसे चलेगा राइट right? आर वी आर डिसाइडेड कि ना लिबोर कंटिन्यू होगा एंड दिस वॉज नॉट डिसाइडेड जस्ट नाउ इट द आर हैपनिंग सिंस लास्ट डिसन और टू इस राइट सो इट वॉज को भी ट्रांजेक्शन करना LIBOR से भी करना पड़ेगा एंड मीफोर से भी सो दैट इज बैंक मिफोर के बाद आया मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड आउट रेट रेट सो एम एम एफ आई ओ आर राइट मॉडिफाइड इसको मॉडिफाई करा गया अब फॉर वेरियस ट्रांजेक्शन इंटर बैंक इंस्टीट्यूशंस आर एडवाइज नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अंडरटेकन यूजिंग इंग लिबॉर एज द बेंचमार्क तो लिबोर को बेंचमार्क लेके कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी सिमिलरली मिफोर को भी लेके कोई ट्रांजेक्शन नहीं होंगी फाइनेंशियल

Uh, they did the investigation and after that it was decided or it was you know it was concluded that LIBOR is not a trustworthy rate now how is it done it is calculated as averages of rates that are polled by the major banks who are you who are the panel members and this is used now this LIBOR rate is used reference rate in other contracts mein use jata hai. for example debt instruments derivatives swap contracts external commercial borrowings ecb उनमें भी लिबोर रेट को बेंचमार्क लेट रेट यूज किया जाता है राइट दिस इज ये हमने पढ़ लिया पूरा यस yes, अब डेली अक्रॉस डेली पब्लिश होता है अक्रॉस फाइव करेंसीज एंड सेवन डिफरेंट मचोरिटीज का ये होता है फॉर एग्जाम्पल ओवरनाइट नाइट वन वीक वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ

राइट ईसीबी इस कौन से रेफरेंस रेट पे ली जाएंगी या इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस पे कौन सा रेफरेंस रेट लिया जाएगा सो दीस आर नोन एज अल्टरनेट रेफरेंस रेट एंड दीस आर सर्टेन अल्टरनेट रेफरेंस रेट एसओएफआर सिक्योरड ओवरनाइट फंड फंडिंग रेट दैट इज इन यूएस डॉलर सिमिलरली स्टर्लिंग का यूके में है सोनिया एस्टर यूरो में है स्विस फ्रैंक में है एंड टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट टोनर दैट इज इन जैपनीज ये ऑलरेडी आपको पता ही होंगे पूरा कर लिया समझ लिया एस बी आई एल क्या होता है इट इज अंपनी विच ब्रिंग्स आउट वेरियस बेंचमार्क रेट नाउ दिस इज द सेकंडे इज द रिपोर्ट बाय ब्रॉट आउट बाई आरबीआई रिपोर्ट इज ऑन करेंसी एंड फाइनेंस पूरी रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन करंसी एंड फाइनेंस

फ्रॉम द रिपोर्ट रिपोर्ट में से आपको डायरेक्टली पैराग्राफ दे देंगे be, you know, the पहले तो अगर आपको रिपोर्ट ही नहीं पता हाउडेंटीफाई नाउ हाउ कैन दैट बी आइडेंटिफाइड इज मेजरली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज तो सबसे पहले इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बात करी है चैप्टर वन में क्लाइमेट रिस्क क्या है डस्ट uh, स्टॉम्स होते हैं ग्लोबल कार्बन अबाउट वेरियस वेल दे टॉक्ट अबाउट इन डिटेल कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैसेज का कितना इमिशन है वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस इमिशन ऑन द जी डी पी हाउ कैन दिस बी रिड्यूस तो बहुत सारा एवरी थिंग इन दिस इज टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज दे रिस्क ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एनी इकोनॉमी एंड स्पेशली इंडिया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉट आर द वेरियस पॉलिसी मेजर्स ब्रॉट आउट बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई पॉलिसी मेजर्स ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई फॉर यू नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टू यू नो मिटिगेट द रिस्क फाइनेंशियल रिस्क दैट इज कॉस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है सो so, ये पूरी थीम थी हमने समझ ली वॉट इज द रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट सो इन केस पैराग्राफ फ्रॉम दिस रिपोर्ट कम्स अप यू विल बी एबल टू आंसर इट बिकॉज हमने समझ लिया कि क्या इतनी बड़ी रिपोर्ट में क्या बात हो रही है सो द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट इज टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया पूरी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती है रिस्क के बारे में बात करती है और एंड में पॉलिसी मेजर्स के बारे में बात करती है ओके नाउ दिस रिपोर्ट

फोकस क्या है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज हाउ वी एज यू नो द एंटायर कंट्री इज वर्किंग टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज बहुत सारे स्टेप्स मेजर्स बताए गए हैं दैट इंडिया इज ऑलरेडी टेकिंग टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द मेजर्स नाउ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर दोनों की बात हुई गई ओके द एम इज टू प्रोवाइड एनालिटिकल इंसाइट इन टू द मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट अब क्योंकि इस बार की थीम ग्रीनर क्लीनर इंडिया पे है दैट इज वाई इट इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज सो मच अदरवाइज इसका जो एम होता है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस नाम से ही समझ आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है इवेलुएट करता है द करेंट कंडीशन एंड वॉट शुड बी डन Now this report has talks about four major dimensions. This also very important. Now, what is the first dimension? It is talking about future challenges to sustainable growth. Now, growth is happening. We are calculating growth, but is this growth sustainable? For how long is this growth going to sustain? So, the challenges to a sustainable growth. Then, unprecedented impact or scale.

राइट सो ग्रीन फाइनेंसिंग के टूवर्स ये जो एनुअल इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज टू द ट्यून ऑफ 2.5 पॉइंट ऑफ जी डी पी दिसंट यू द नेक्स्ट अबाउट वाई इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप टू ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिस एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पॉइंट ऑफ द जी डी इज रिक्वायर्ड

Right for your exam, by the way, it is very important that you go through CBDC once again the guidelines of CBDC and the entire structure of CBDC. Now talking about CBDC, it is environment friendly when compared to paper currency because publishing of paper printing come Apart from that, there is no intermediation, right? So when settlement is taking place directly without the role of an intermediator, तो क्लियरिंग कारपोरेशन का रोल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एंड सेटलमेंट ऑटोमैटिकली होनी कम हो जाएगी राइट सो सीबीडीसी इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हेन इट कम्स टू यू नो द प्रिंटिंग एंड इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हेन यू कंपेयर विथ फिजिकल करेंसी एंड द रोल ऑफ दू नो क्लियरिंग कारपोरेशन विल बी रिड्यूस्ड ओके देन

उसके अलावा जॉब लॉस भी बहुत होंगे राइट सी वेन यू नो डिसमेंट प्लेस माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस अ लॉट ऑफ इंपैक्ट क्लाइमेटनिंग कंडीशन जॉब लॉसेज भी हो सकते हैं इन दैट सिचुएशन राइट सो जॉब लॉसेज या जीडीपी पे क्या इंपैक्ट होगा दैट इज मैं अब आरबीआई के बारे में कुछ है आरबीआई ज्वाइंट द एन जी एफ एस नेटवर्क फॉर ग्रीन इन द फाइनेंशियल सिस्टम

यू नो आर आर डी डी राइट यस रिन्यूएबल डेवलपमेंट उस पर ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का सोना पैनल्स लगा रहे हैं गवर्नमेंट नेशनली कॉन्ट्रीब्यूशन राइट सो आई एनडीसीड बाई द गवर्नमेंट यू एन मेजर ये नेशनली डिटर्माइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वॉज डिसाइडेड

राइट right? अब कुछ जो डिटेल्स जो नंबर्स निकल के आए हैं फ्रॉम द यू नो द रिपोर्ट दीज मेंशन मिथेन जो है सेकंड हाईएस्ट ग्लोबल कार्बन जीएचजी ग्रीन हाउस गैस है सेकंड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एंड बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज उसके बाद 2015 कॉप 21 में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे थे इंटेंडेड एनडीसी कॉन्ट्रीब्यूशन द वॉट द गवर्नमेंट इज डूइंग और विल डू इन फ्यूचर टू रिड्यूस

you know, how they can contribute towards the uh, the mitigation of climate change or mitigation of GHGs, greenhouse gases. Then, enhancing the role of financial system and managing the risks that are emanated from climate change. Then, sovereign green bonds, this, and this is in line with the Panchamrit, the five-point strategy that the Prime Minister gave in 2022. Okay. Okay, this is a little illustration taken from the report about how the you know what are the risks associated with climate change and especially the risk towards the financial sector. Theke. Now, the third point that we are going to talk about today is about answer writing. This is the third topic. This is the question for you. The question says, with the incremental and intuitive development of digital use, banking and other financial sectors have taken इंपॉर्टेंट पॉइंट so, यहाँ पे सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल मतलब तो यहाँ पे रोल की बात हो रही है रोल ऑफ बैंक सेक्टर सेक्टर टू वर्ड समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल आगे बढ़ते हैं

आप बहुत चीजें लिख सकते हैं इनकेट मीव राइट इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट अबाउटी तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए आरबीआई एनपीसीआई लेके आया था दैट इज मेजर फंक्शन ऑफ आर बी आई तो यहाँ पे आप आरबीआई के फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं

उसके अलावा जो टेक्स प्रिंट हो रहे हैं टॉक अबाउट दैट देन अभी तक जो पेमेंट्स हो रही थी इंडिया की बात हो रही थी बट पेमेंट्स आर गोइंग टू बी यू नो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात हो रही है टॉक अबाउट आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टॉक अबाउट दिन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई जो अभी रिसेंटली आया था ठीक है

Recent guidelines of RBI for forward rates or interbank market rate benchmark. The FBIL will cease to publish MIFOR. This is correct. RBI has issued an advisory to banks and other RBI regulated entities to transition from MMFIR. This is incorrect. It is actually LIBOR. Sonia is an overnight index rate applicable in UK. This is correct. Sterling. Ki baat ho hai pe. Then recently RBI issued advisory.

RBI's recent report on currency and finance India will need additional annual investment of additional annual investment of GDP at least for green financing till okay, how percent of annual investment of GDP is required? That is 2.5% 2 till 2030. Okay, this was the last question for today. This brings us to the end of this session. Uh, I hope you all are preparing for your upcoming RBA grade B exam. All the very best. Thank you.